नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और स्वागत है आपका दीपा फिटनेस एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसको अपनाकर आप शादी या पार्टी में कहीं भी आप जा रहे हो तो आप उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव कैसे लगेंगे और लोग आपकी तारीफ करे बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप सबसे अलग और हटके लगेंगे। तो बिना कहीं इधर उधर की बात करे बिना सीधा पॉइंट पर चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ वो ट्रिक्स। लेकिन उससे पहले तो आप मेरे वीडियो पे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको बाद में मेरा वीडियो पसंद आए तो आप तब सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मेकअप। तो आप कभी भी शादी या पार्टी में जाते समय इस बात का ध्यान रखें, आप कभी भी एकदम मेकअप से लिपी पुती ना लगे, आप कभी अपने आप को ओवर मेकअप ना करें, हमेशा अपने मेकअप को कम से कम रखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ज़्यादा मेकअप आपको आपकी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा एजेड दिखाता है, तो अपने मेकअप को कम से कम करने की कोशिश करें। फ्रेंड, मेकअप का मतलब होता है आपके गुड फीचर्स को हाईलाइट करना, आप अपने गुड फीचर्स को दिखाना। तो आपके जो फेस के जो गुड फीचर्स हैं आप हमेशा उस पर ही मेकअप करें, आप सिर्फ उसको ही हाईलाइट करें। या फिर आप जब भी आंखों पर आपने मेकअप करा है, बहुत अच्छे से मेकअप करा, तो आप अपने ओठों को कम से कम मेकअप करने की कोशिश करें। और अगर आपने ओठों पर गाल पे बहुत ज़्यादा मेकअप करा है तो आप अपनी आंखों पर कम से कम मेकअप करने की कोशिश करें। और साथ ही फ्रेंड्स, कभी भी ब्लैक आईब्रो यूज करने की कोशिश नहीं करें, ये वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार लुक दिखाता है। दूसरा है फ्रेंड्स, ज्वेलरी। आप ज्वेलरी पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान ना लगें। आप ज्वेलरी में भी बिल्कुल मेकअप का ही रूल लागू होता है। ज्वेलरी में भी आप जब भी आप अपने गले में बहुत ज़्यादा हैवी कुछ पहन रहे हैं तो आप अपने कानों में बिल्कुल कम छोटा सा कुछ पहने, और अगर अपने कानों में बड़े बड़े झुमके या हैवी कुछ पहन रखा है इयररिंग्स, तो आप अपने गले को बिल्कुल कम पहने या फिर आप कुछ ना पहने। आप इससे क्या होता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाता है, और आपको चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान नहीं दिखाना है। दिखावा के चक्कर में आप अपना पूरा लुक नहीं ख़राब कर लेना है, तो आप ज्वेलरी भी कम से कम ही पहने जो आप बहुत खास हो, बस सिर्फ वही पहने। और आता है आपका हेयर स्टाइल। फ्रेंड्स, जो हेयर स्टाइल होता है ये एक तरीके से आपका गेम चेंजर की तरह काम करता है। आपका हेयर स्टाइल ही मेन होता है कि आपको कैसे दिखना है। बिल्कुल मेकअप और ज्वेलरी से कहीं ज़्यादा आपका हेयर स्टाइल मायने रखता है कि आपको कैसे दिखना है, आप कैसे अपने बालों के हेयर स्टाइल कर रहे हो, इसी से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप वैसे तो ट्रेंड में हैं आजकल बहुत सारे हेयर स्टाइल, तो आप उनको भी अपना सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप अपने बालों को सीधा सा स्ट्रेट कर सकते हो सिंपल सा, और या फिर आप अपने पूरे बालों को कर्ली कर सकते हो और आप उनको इस तरीके से बिल्कुल ओपन छोड़ दीजिए, और ये बहुत ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और लोग आपकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे, आपको नोटिस करे बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है, यकीनन बहुत ज़्यादा बालों पर बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल करने से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने बालों को सीधा ओपन छोड़ दीजिए थोड़ा सा स्टाइल करके, ये बहुत खूबसूरत दिखाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके आउटफिट, आपकी ड्रेस। यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने आउटफिट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप कभी भी किसी की सस्ती कॉपी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सोच रहे हो कि उसने ये ड्रेस पहना था, उसका इतना महंगा था, लेकिन हमें तो ये सस्ते में पड़ गया है, तो आप उसको पहन लोगे, उसको ले लोगे। ये अगर आप करते हो तो आप फैशन ब्लंडर का शिकार हो जाओगे। बिल्कुल आप कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कभी भी कोई भी सस्ती चीज़ है वो कभी भी आपको अच्छा शो नहीं करती है, वो उसी तरीके से शो करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बुरी शो करती है, लेकिन अगर आपने कोई सस्ता कपड़ा पहना है तो वो उसी तरीके से शो करेगा। तो आपको क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है यहाँ पे। आप अपने हमेशा कभी भी आप कोई भी आउटफिट पहने उसमें आप थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखें, आप क्वालिटी वाली चीज़ पहने, आप ब्रांड की चीज़ पहने, अच्छी पहने। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की ड्रेस पहनने से अच्छा है आप दो या एक कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन वो आपकी ड्रेस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, और वो किसी की सस्ती कॉपी ना हो किसी की भी। तो आप बहुत अच्छी पहनना है, और लाइट कलर हमेशा यूज करना है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लहंगे और गाउन साड़ी वगैरह, आप जो भी पहनते हैं उसमें आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, और हमेशा हल्के और लाइट कलर पहने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाते हैं ये आपको।
और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, लोग आपको नोटिस करे बिना रह नहीं पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो के सारे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा